Greetings everyone, my name is KS Dipak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So chaliye dekhte hain kaun se articles hai that we are going to explain today. So the first article is on NIA. So yahan par dekhenge ki jo organization hai, ye jo agency hai, iska kaam kya hai, kyun banaya gaya iska, iski zarurat kahan pe mehsoos hui aur iska jo mandate hai wo over the years kaise bada hai. All those things would be in our first article. The second article is related to Central Asia. So यहाँ पर देखेंगे जो Central Asia ये जो region है ये क्यों important है, क्यों China as well as India जो है उनके जो strategic depth है वो कहीं ना कहीं बरकरार करना चाहता है या उसका strategic depth है वो बढ़ाना चाहता है. So all this dynamics would be in our second article. The third article is related to UNHRC, that is an organization which is known as United Nation Human Rights Council, as well as जो national level पर हम लोग के पास जो commission है जिसे हम लोग कहते हैं National Human Rights Commission. So यहाँ पर देखेंगे UNHRC as well as NHRC जो है इसके क्या क्या mandate है, क्या क्या issues है, composition कैसे है, कौन से members हैं, election कैसे किया जाता है, removal कैसे करते हैं, all those things would be in our third article. The fourth article is related to cyber attack. So यहाँ पर basic से बात करेंगे cyber attack होता क्या है, कौन से टाइप्स के साइबर अटैक होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स कौन से मेजर्स लिए हैं, उन मेजर्स में क्या क्या फ्लॉज हैं एंड द वे फॉरवर्ड. सो ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडिया बांग्लादेश टाइज. सो यहाँ पर देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन से रिलेशंस हैं, कौन से डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जो कि ओपन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक बात करें कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके इंप्लीमेंट कर रहा है, एज वेल एज जो वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ है उसका क्या करंट स्टेटस है, कोई नया वाटर शेयरिंग ट्रीटी है कि नहीं जो कि उनके अंडर डिस्कशन है, उसमें क्या क्या इरिटेंस है, ऑल दोज थिंग्स वुड बी नाउ फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजल द सिक्स वन इज रिलेटेड टू क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल विच इज़ ऑन NIA. तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज NIA. NIA क्या है? So NIA is an abbreviation of National Investigation Agency. ये क्या है? It is a central level. Central level पे counter terrorism agency है. That is coming under which ministry? Under the Ministry of Home Affairs. अब ये जो organization है, ये जो agency है, इसका कहीं ना कहीं महत्व या ज़रूरत कहे, ये ज़रूरत कब महसूस हुआ? After the 2008 attack. 2008 अटैक जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, जो जहाँ पर ताज होटल या पूरा जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं रोया था, पूरा जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं जला था, उसके बाद उस अटैक के बाद कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हम लोग के पास एक नेशनल लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी का ज़रूरत है जो कि टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस से रिलेट करता हो. सो दैट इज़ हाउ द NIA केम इन टू बींग. नाउ लेट्स सी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ NIA. सो NIA कैन इन्वेस्टिगेट टेरर केसेस अक्रॉस द कंट्री, अराउंड द कंट्री, पैन इंडिया वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बींग हियर इज कि यहाँ पर जो है इनके पास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हैविंग टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट. जब हम लोग ने बात CBI का किया था वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट कमिंग कहा था CBI में कि अगर उनको इन्वेस्टिगेट करना है देन दे हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स. वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जिसके बेसिस पर CBI इन्वेस्टिगेट करता है, बट यहाँ पर देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग. स्टेट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. द NIA कैन हैव द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एनी टेरर रिलेटेड और अदर एस्पेक्ट्स जो कि NIA के अंडर आता है, वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी ज्यूरिडिक्शन है NIA का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट. दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो. नेक्स्ट पॉइंट इज ज्यूरिडिक्शन. ये ज्यूरिडिक्शन है, इसमें क्या क्या ज्यूरिडिक्शन है इसका? द फर्स्ट पॉइंट इज कि ये दिस एजेंसी ऑपरेट्स अलॉन्ग द होल ऑफ इंडिया. सो इट ऑपरेट्स इन द होल ऑफ इंडिया, पैन इंडिया कहें, कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज, क्योंकि उनको स्टेट से कहीं ना कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. बट दिस इज नॉट ओनली थिंग, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ जो कहीं ना कहीं जो मैंडेट है, जो ज्यूरिडिक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेरिटरी तक सीमित नहीं है. दे कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, इट ऑल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड द कंट्री. सो दे कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट आउटसाइड द कंट्री. यहाँ पर जो मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, कहीं पर भी जहाँ पर भी इंडियन सिटीजन्स इन्वॉल्व है और इंडियन सिटीजन्स कहीं ना कहीं वो सब ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं जो कि NIA के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, वहाँ पर NIA के पास पावर है इन्वेस्टिगेट करने का. सो दैट इज़ हाउ पावरफुल दिस एजेंसी इज, एज वेल एज जो भी सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, वेर एवर दे आर पोस्टेड, वहाँ पे भी उनको इन्वेस्टिगेट करने के पावर्स हैं. ऑल्सो पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, यहाँ पर भी कहीं पे भी वो पोस्टेड हो, कहीं पे भी ट्रांजिट में हो, या कहीं पे भी वो इन लॉजिस्टिक्स के इन ड्यूरेशन में हो, कोई भी इंटरनेशनल वाटर्स में, वहाँ पर भी किसका ज्यूरिडिक्शन आ सकता है? NIA का. बट
प्रोवाइडेड इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पर इंडियन लॉज फॉलो होते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं या कोई अगर थर्ड पार्टी कंट्री में है तो उनके जो डोमेस्टिक लॉज हैं उनको रेस्पेक्ट करके NIA का ज्यूरिडिक्शन कहीं ना कहीं उसे वो ऑपरेट कर सकते हैं, उसे वो चेक कर सकते हैं, एज वेल एज ऑल पर्सन कमिटिंग एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस। अब ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है ये एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है जहाँ पर NIA कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता है। डोंट गो इन टू द डिटेल्स, यहाँ पर कौन से ऑफेंसेस को शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में कहीं ना कहीं करार किया जाता है, दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि हम लोग को बॉदर करना है। सो दैट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जहाँ पे काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं जिसके बेसिस पर NIA कहीं ना कहीं एक्शन ले सकता है। सो प्लीज़ डोंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। एज फार एज UPSC इज कंसर्न, दिस इज द बेसिक ज्यूरिडिक्शन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, ये जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ हैविंग 8 रीजनल ऑफिसेस। 8 रीजनल ऑफिसेस हैं अक्रॉस इंडिया। कहाँ कहाँ पे हैं? इन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू। सो इन 8 जगहों में कहीं ना कहीं इनका रीजनल ऑफिसेस है। दैट इज़ हाउ NIA इज स्ट्रक्चर्ड अक्रॉस इंडिया। नाउ विद दैट लेट्स मूव to other aspects of the amendment. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि ओवर द ईयर्स इसका जो मैंडेट है वो भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा है। नाउ द मेन रीज़न फॉर दैट इज़ द NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब जैसे मैंने कहा NIA जो उसका ज़रूरत कब महसूस हुआ, 26/11/2008 में। तो इसका जो ओरिजिनल एक्ट है दैट इज़ द NIA एक्ट ऑफ 2008 का जो एक्ट है दैट इज़ द ओरिजिनल एक्ट जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सिस्टेंस में लाता है। बट उस मैंडेट को कहीं ना कहीं बोल्स्टर करने के लिए और उसे एक्सपैंड करने के लिए एक अमेंडमेंट आया जिसे हम लोग कहते हैं NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब देखते हैं इस अमेंडमेंट में क्या क्या बातें हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस अमेंडमेंट अलाउज द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग न्यू ऑफेंसेस। सो कौन से नए ऑफेंसेस हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग करेंसी, सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट एज वेल एज साइबर टेररिज्म। सो ये सब जो चीज़ें हैं, टेररिज्म जो कन्वेंशनल टेररिज्म के अलावा, ये सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करने के पावर्स किसके पास है? NIA के पावर्स है। सो दैट इज समथिंग जो कि NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया। अलॉन्ग विद दैट ये जो अमेंडमेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा NIA के पास पावर्स है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टिगेट करने का नहीं, बट कहीं पे भी जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स हैं वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स किसके पास है? NIA के पास है। सो दैट पावर, वो जो पावर है वो किसके थ्रू आ रहा है? दैट इज़ कमिंग फ्रॉम NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। एज वेल एज दिस अमेंडमेंट ऑल्सो अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द स्पेशल कोर्ट्स। तो यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स कौन बना सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पावर्स किसके थ्रू मिल रहा है? NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो फ्रॉम UPSC's पर्सपेक्टिव। नाउ विद दैट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज ऑन सेंट्रल एशिया। सो यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ दिस इशू ऑफ सेंट्रल एशिया, ये जो इंपॉर्टेंस है दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन दी 24th August वीडियो, जहाँ पर इसका जो सिग्निफिकेंस है, क्या है सिग्निफिकेंस, क्यों कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना, रशिया एंड US कहीं ना कहीं अपना जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अपना जो बायलैटरल रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं बोल्स्टर करना चाहते हैं, कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। सो ये जो रीज़न है वो रीज़न मैंने डिकोड किया है इन दी 24th August वीडियो, जहाँ पर बेसिक इशूज जितने भी हैं आई हैव डिस्कस। सो प्लीज़ ट्राई टू रेफर टू दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड, टू हैव एन मल्टीलैटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस topic. With that, now let's move to our next aspect, which is on the UNHRC, United Nations Human Rights Council, as well as the NHRC, National Human Rights Commission. So, यहाँ पर ये दो organizations का बात करते हैं, starting with UNHRC. Global level पे first बात करते हैं. So, what is this UNHRC? UNHRC is an abbreviation of United Nations Human Rights Council. अब ये क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर डूइंग व्हाट? टू प्रमोट एज वेल एज प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए इसे बना दिया गया है UNHRC को। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एंश्योर, इसका जो मकसद है दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स बट ऑल्सो रिलेटेड टू अदर फ्रीडम्स। फॉर एग्जाम्पल द फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वुमेन्स राइट एज वेल एज द राइट ऑफ LGBT एज वेल एज द रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज। सो ये सब एस्पेक्ट्स को भी कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ पर कंसिडर करते हैं? वेन इट कम्स टू UNHRC, वी कंसिडर ऑल दोज फ्रीडम्स ऑल्सो अलॉन्ग विद ह्यूमन राइट्स। विद दैट दिस ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है ये बना दिया गया था
अंडर द ऑस्पिस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूएनजीए के अंडर में कहीं ना कहीं काम करता है क्या, यूएनएचआरसी। बट इससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यूएनसीएचआर। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म था, काफ़ी सारे एलिगेशंस थे कि इसके जो मेंबर्स हैं, ये खुद के जो मेंबर्स हैं जिनका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, वो मेंबर्स के ऊपर ही काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स के एलिगेशंस थे, उनके वायलेशंस के काफ़ी सारे एलिगेशंस थे। सो इसे देखकर कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जिस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं वीकन हो गया, उसका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो गया, एंड दैट इज हाउ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल केम इनटू बीइंग। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अ पावर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, द यूएनएचआरसी। अब एज ऑफ नाउ कितने मेंबर्स हैं, एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग 47 मेंबर्स। सो ये जो 47 मेंबर्स है कौन इलेक्ट करता है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखते हैं इसकी कौन सा पीरियड है और कैसे इलेक्ट किया जाता है। सो ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और अगर आप कंसिक्वेंटली 2 टर्म तक अगर आप इलेक्ट होते हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन थर्ड टाइम, इमीडिएट रीएलेक्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर इंडिया 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए कंसिस्टेंटली जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो इलेक्ट होता है, तो थर्ड टर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है। उसमें हैट्रिक नहीं मार सकते कोई कंट्री, काइंड ऑफ आपको इमीडिएट ब्रेक करना पड़ेगा, देन यू कैन अगेन अप्लाई फॉर दिस मेंबरशिप। सो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर इज ऑर्गनाइज व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी। अब इसके और बारीकियों में जाते हैं। ये जो मेंबरशिप है, ये मेंबरशिप को कैसे डिवाइड किया गया है, इसको रीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, ये अफ्रीका में 13 सीट्स है, एशिया में 13 सीट्स है, वेस्टर्न यूरोप में 13 है, कैरेबियन में 8 है। इस एस्पेक्ट से, इस तरीके से कहीं ना कहीं हर एक रीजन को सीट्स कहीं ना कहीं दे दिया गया है। और वहाँ पर एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसको उनके बेसिस पर इलेक्ट किया जाता है, ताकि उनमें से उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्रीज़, जो कि फिर बिकम्स द मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी। सो मेंबर कितने हैं ऑल टुगेदर, 47। सो ये 47 मेंबर्स हैं, उनमें से 13 जो है, 13 के लिए इलेक्शन होता है एशिया में जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में। सिमिलरली द केस फॉर अफ्रीका एंड कैरेबियन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज की यूएनजीए, जिसके पास पावर्स है इलेक्ट करने के लिए, उनके पास ये भी पावर्स हैं कि वो सस्पेंड करें। दे कैन ऑल्सो सस्पेंड। कब सस्पेंड कर सकते हैं, इफ दे आर हैविंग, इफ देयर इज एन कॉन्स्टेंटली कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर एलिगेशन से अगर प्रूव किया जा रहा है कि वो कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, देन यूएनजीए जो कि इलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास ये भी पावर है ताकि वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल से उसे बेदखल कर दे, उसे सस्पेंड कर दे। और ये सस्पेंशन के लिए इनके पास क्या मेजोरिटी होना चाहिए, इनके पास 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग, 2/3 मेजोरिटी इज अ बिग थिंग। सो अगर 2/3 मेजोरिटी है यूएनजीए में है, तो कोई भी मेंबर को हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देर इज अ प्रूफ दैट दे आर कॉन्स्टेंटली कमिटिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। नेक्स्ट एस्पेक्ट कि एज ऑफ नाउ जैसे मैंने कहा एशिया में 13 मेंबर्स हैं। सो एशिया पैसिफिक जो है, जो करंट टर्म जो चल रहा है, दैट इज 2021-2023। सो यहाँ पर एशिया पैसिफिक में कौन से कंट्रीज हैं, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया जो है एशिया पैसिफिक में फॉर द ईयर 2021-2023 इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट एन करंट मेंबर। इंडिया मेंबर था इन द 2019 सीरीज, उस सेशन में कहीं ना कहीं मेंबर था, बट एज ऑफ नाउ इंडिया मेंबर नहीं है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी। अब लेट्स सी कि क्या क्या है इश्यूज। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने इनहेरेंट इश्यूज होते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी क्या क्या इश्यूज हैं, द फर्स्ट इशू इज इट बायस नेचर। कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है, जो फोकस है, दैट इज बायस्ड। इसमें एग्जांपल काफी टाइम कोट करते हैं ऑफ दिस इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। काफी जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसराइल के मेंबर्स जो हैं, इसराइल के कहीं ना कहीं जो मिलिट्री है, वो जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं पैलेस्टीन में, उससे हम लोग कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं, उसे हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग उसे देख नहीं रहे हैं, उसे हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एलिगेशंस व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी। सेकेंड एस्पेक्ट इज द इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इशूज़। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ह्यूमन राइट इश्यूज़ को देखते हैं। यूरोप में अगर ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ होते हैं, तो हम लोग उसे मीडिया में लाते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया में लाते हैं, यूएनएचआरसी में केसेस होते हैं। बट सेम इश्यूज़ अगर अफगानिस्तान में या एशिया के कोई कंट्री में या अफ्रीकन कोई कंट्रीज में हो, तो हम लोग उसे क्या उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। सो दैट इज़ अनदर इशू व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी। अब ये जो एलिगेशंस है, ये जो क्रिटिसिज्म है, दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द यूएनएचआरसी ऑल्सो। यूएन के जो दीदन
जो सेक्रेटरी जनरल थे बन की मून, उन्होंने पर्टिकुलरली कहा है यस दिस इज वन ऑफ ए ग्राउंडिंग इशू, दिस इज वन ऑफ द बेसिक फॉल्ट ऑफ व्हाट यूएनएचआरसी, सो दैट इज सिग्निफिकेंट। ये कहीं ना कहीं कंसिडर्ड है, ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो हर एक एस्पेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। यूएन ह्यूमन राइट्स की कहीं ना कहीं बात जब भी करते हैं तो हर एक एरिया को वो इक्वली ना देकर वो एक एरिया को ज़्यादा प्रेवलेंस देते हैं ओवर द ईयर्स। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। द थर्ड एस्पेक्ट इज द मेंबर्स विद क्वेश्चनेबल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें और प्रोटेक्ट करें, और इनके जो मेंबर्स हैं इनको कहीं ना कहीं इस गोल को कहीं ना कहीं फुलफिल करना है। अब ये जो मेंबर्स हैं, ये अगर मेंबर्स खुद में ही अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ही एलिगेशन है कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो यूएनएचआरसी का जो मैंडेट है, जो जिसे कहते हैं दी सैक्रोसेंसी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट करता है। सो दैट इज़ अनदर इशू। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का जिसका काम है ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना, वो मेंबर्स के ऊपर ही काफ़ी सारे एलिगेशन है कि वो ह्यूमन राइट्स को तोड़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ एन इशू व्हेन इट कम्स टू यूएनएचआरसी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ दी एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब प्लीज़ रिमेंबर कि वहाँ पर यूएनएचआरसी में जो सी था उसको हम लोग कहते हैं काउंसिल, वहाँ पे सी इज़ फॉर काउंसिल, बट हियर सी इज़ फॉर कमीशन, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज। अब यहाँ पर जो है नेशनल लेवल पे वी आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन एस एनएचआरसी। अब एनएचआरसी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सिमिलर टू यूएनएचआरसी, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दैट आई डिस्कस इन दी 3rd September वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स है कि क्या क्या इशूज़ हैं, उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, कौन से मेंबर्स हैं, उसे कैसे अलेक्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, एज वेल एज द इशूज विद एनएचआरसी, दिस ऑल थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द 3rd September वीडियो। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, टू हैव एन ड्यूअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। विद दैट नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन साइबर अटैक। यहाँ पर बात करते हैं साइबर अटैक के ऊपर। सो अगेन साइबर अटैक कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली न्यूज पर रहा है, दैट इज वाई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 3rd September वीडियो, जहाँ पर बेसिक्स है। अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बेसिक्स है कि साइबर अटैक क्या होता है, कौन से टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं, मालवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, एक्सेसेस क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दी 3rd September वीडियो, एज वेल एज आई ऑल्सो डिस्कस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन से मेशर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू काउंटर दिस, एज वेल एज कि ये जो मेशर्स हैं इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, कहीं ना कहीं क्या है शॉर्टकमिंग्स व्हेन इट कम्स टू the steps the government of India has taken to bolster the cyber security. So all these things I discuss in the 3rd September video. So please refer to the video here to have an understanding of this topic. With that, now let's move to our 5th article, which is on India-Bangladesh relations. Ab India-Bangladesh relations jo hai wo bhi consistently kafi time se news par raha hai. That is why we have already discussed it in our 10th August video. So yahan par basics se ki India aur Bangladesh ke relations kaise important hai, क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, क्यों बांग्लादेश के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कौन से मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दी अगरतला खोरा रेल लिंक, दी सिलीगुड़ी पार्थिपुर पाइपलाइन, एज वेल एज दी वाटर शेयरिंग ट्रीटीज, कौन से वाटर शेयरिंग के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ट्रीटीज़ हैं जो कि एज ऑफ नाउ ऑपरेशनल है, कौन से नए ट्रीटीज़ हैं जो कि आगे डिस्कशन टेबल पे है, उसमें क्या क्या इरिटेंट्स हैं, ऑल दिस थिंग्स I discuss in the 10th August video. So please refer to the video here to have an understanding of this contemporary happening. Okay, ye jo contemporary happening hai isko samajhne ke liye you have to refer to this video. With that, now let's see the quiz of the day. अब क्योंकि आज के जितने भी ज़्यादातर आर्टिकल्स जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थे, इसीलिए आज के जो क्वेश्चंस हैं दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बीमस्टेक, एज द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू SCO, दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड एज यूजुअल ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ PDF यू वुड गेट एन लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने डिस्कशन किया दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी यू वुड गेट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो इफ यू हैवन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप प्लीज डू ज्वाइन, और जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल मिल जाएगा। एज वेल एज आई होप कि टुडे का जो एनालिसिस है दैट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, वी आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू, एट द सेम टाइम वर्क हार्ड स्टडी हार्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ। सी यू टुमारो।